दोस्तों अगर आपने अभी तक अपना मोबाइल फ़ोन रजिस्टर नहीं करवाया तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपना मोबाइल फ़ोन रजिस्टर कैसे करवाना है। दोस्तों अगर आपका मोबाइल फ़ोन ब्लॉक भी हो गया है तो फिर भी अगर आपने अभी तक उस मोबाइल फ़ोन को अनब्लॉक नहीं कराया तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल डिटेल बताऊँगा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को रजिस्टर कैसे करवाएँगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की जाती है, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों पीटीए की तरफ से न्यू अपडेट आई है। दोस्तों वो न्यू अपडेट क्या है दोस्तों कि आपको पीटीए के ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी फ्रेंचाइज में जाके अपना मोबाइल फ़ोन रजिस्टर करवा सकते हैं। दोस्तों अब वहाँ पर जाके आपने अपना मोबाइल फ़ोन रजिस्टर कैसे करवाना है, दोस्तों आपने करना क्या कि आपने अपने आईडी कार्ड की कॉपी करवा लेनी है, ठीक है, एक अदद, और अपना मोबाइल फ़ोन साथ लेके जाना है। दोस्तों जो दूसरी बात है कि अभी तक कुछ फ्रेंचाइज में ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, कुछ फ्रेंचाइज में अभी तक नहीं आई, ठीक है। मैंने पहले भी ये वीडियो बनाई हुई है लेकिन कुछ भाई कह रहे हैं कि वहाँ पर गया हूँ तो फ्रेंचाइज वाले कह रहे हैं हमारे पास ये सहूलत मौजूद नहीं है। दोस्तों क्योंकि ये न्यू अपडेट आई है तो अभी लॉन्च होते होते थोड़ा टाइम लगेगा। पीटीए वालों ने वाजह तौर पे पोस्ट की है कि आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में जाके आप अपना मोबाइल फ़ोन रजिस्टर करवा सकते हैं। अब आपने अपना मोबाइल फ़ोन रजिस्टर कैसे करवाना है, बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, आपने अपने आईडी कार्ड की कॉपी करा लेनी है, मोबाइल फ़ोन साथ लेके जाना है, ठीक है। वहाँ से आपको एक फॉर्म मिलेगा 100 रुपीज़ का, वहाँ पे दोस्तों लिखा होगा नाम अपना लिखना है, IMEI नंबर लिखना है और डेट ऑफ बर्थ लिखनी है अपनी, वालदा का नाम लिखना है अपना, सिग्नेचर करने हैं दोस्तों, और अगर आपका मोबाइल फ़ोन डुअल सिम है तो दोनों के दोनों IMEI नंबर मेंशन करने हैं, और जो लास्ट पे दोस्तों लिखा होगा कि अगर आपका मोबाइल फ़ोन पे टैक्स लगा हुआ है, अगर आप उस फ़ोन का टैक्स अदा कर चुके हैं, उसकी एक आईडी होती है, वो आईडी लिखनी है। अगर आपका मोबाइल फ़ोन टैक्स के बगैर रजिस्टर हो रहा है, मतलब टैक्स शुदा नहीं है, टैक्स के बगैर है, तो आपने आगे लिखा होगा विदाउट टैक्स, आपने उसके ऊपर सिंपल सर्कल कर देना है या फिर टिक कर देना है। फिर नीचे लिखा होगा कि आपने ये अपना मोबाइल फ़ोन अपने ही नाम करवाना है, ठीक है, वहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर कर देने हैं, आईडी कार्ड, मतलब जिसके नाम पे आपने मोबाइल फ़ोन करवाना है तो वही इधर लिखना है, ठीक है। दोस्तों सब कुछ ये इन्फॉर्मेशन लिख के फिर आपने अपना मोबाइल फ़ोन रजिस्टर करवा लेना है। सिंपल जाके आप उन्हें फॉर्म देंगे, 24 या फिर 48 घंटों के दौरान आपका मोबाइल फ़ोन रजिस्टर हो जाएगा। ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।